करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं मौजूद हूँ सखर के मशहूर मीनारे पर, तो आज चलते हैं इसके ऊपर और ऊपर से नज़ारे करते हैं पूरे सखर के। बहुत ऊंचा है ये, तकरीबन 8-10 मंजिला नज़र आ रहा है, तो चलते हैं इसके ऊपर और देखते हैं। टाइम लगेगा, थोड़ी मशक्क़त होगी ऊपर चढ़ने में, क्योंकि ऊपर से जो नज़ारे हैं वो करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये इसकी एंट्रेंस है बाज़ार के अंदर जाके, ये हाई कोर्ट है, इसके साथ जाके ये मीनारा है। साथ में कब्रें, पुरानी बहुत कब्रें हैं सखर में, अभी भी यहाँ पे कब्रें कुछ बनी हुई हैं। तो हम तो चलते हैं इधर मीनारे की तरफ, यहाँ की एक लोकेशन आपको दिखाते हैं ऊपर चढ़ के। ये थोड़ा यहाँ से आपको दिखाते हैं, शहर है पूरा। ये मस्जिद कह सकते हैं, मस्जिद का सहन है। सामने वो सफ़ें पूरी बनी हुई हैं और आगे इमाम की जगह भी है, और ये मीनारा जो है इसके अंदर की, ये माशाल्लाह खूबसूरत जगह है। खूबसूरत तरीन, साफ़ सुथरी, और यहाँ पे चप्पलें उतार के आना पड़ता है, तो इसलिए हम भी आज चप्पलें उतार के आए, साफ़ सुथरी जगह इसलिए। तो चलते हैं मीनारे की तरफ, ये लोग जा रहे हैं, साथ साथ हम भी निकलते हैं। अल्लाह खैर। ये बड़ी कम सीढ़ियाँ, चलते हैं ऊपर। इसकी रोशनदान से रोशनी आ रही है, मेरे का एहसास नहीं हुआ। बहुत तंग जगह। Thank you.
इधर हो जाओ जल्दी बच्चे। अभी कहीं घूम ही सकते, इधर ही खड़े हैं ना बस। सो फ्रेंड्स, बड़ी मेहनत हुई इस पर चढ़ने के लिए और बहुत टाइम भी लगा, लेकिन कराची वाले को इतना मसला नहीं। कराची वाले बिल्डिंग चढ़ते रहते हैं, चार चार पांच पाँच मंजिला चढ़ते हैं, तो उनके लिए इतना मसला नहीं है। क्यों भाई? तो यहाँ के जो है मकामी शायद उनको लगता हो, लेकिन हमारे मेरे साथ एक दोस्त भी मौजूद है, उनसे कुछ बात करते हैं। जी भाई, कितना टाइम लगा आपको चढ़ते हुए? 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट लगे? 5 मिनट। तो थके हुए के तो नहीं, थकान तो नहीं हुई? नहीं, ये ऐसा लग रहा है कि 5 मंजिला घर पे चढ़े। कितना मंजिला है वैसे ये? ये तकरीबन वैसे 8 मंजिला है, सीढ़ियों से देखा जाए तो 4-5 मंजिला बस। लेकिन सीढ़ियाँ बड़ी तंग है, इसलिए थोड़ा सा जो मसला हो रहा है, सीढ़ियाँ बहुत तंग है। एक वक्त में एक बंदा चढ़ सकता है ऊपर, उसके अलावा कोई बंदा नहीं आ सकता। और उतरने चढ़ने के लिए एक ही सीढ़ी है, अलग अलग नहीं है। तो चढ़ तो गए हैं, अब उतरेंगे कैसे ये देखते हैं। इस बात मुझे कहावत याद आ रही है, खुद को अगर बुलंद इतना है कि हर तकदीर से पहले खुदा उससे खुद पूछे, बंदे से पूछे बताते ही रजा क्या है, लेकिन लोगों ने इसको उल्टा बना दिया, कहते हैं तू उतरेगा कैसे। तो ये सीन है अभी। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें दरिया नज़र आ रहा है और लैंडस्टोन ब्रिज, और सामने वो जो है दरवाजे हैं डैम के, वो सामने भी नज़र आ रहे होंगे। देना यार, हाथ पकड़ना पहले, पीछे यहाँ से अंदर चलो। और कोई है? नहीं, बस और नहीं, आप निकल ले। चले जाओ, यहाँ पे रास्ता नहीं, बिल्कुल आप निकल ले। अच्छा, आना भी मारा था, जाना भी मारा था, रास्ता बिल्कुल एक बंदे का है ना, बिल्कुल एक बंदे का रास्ता। हाँ तो गए, उतरना बड़ा वो है, मेरे फूल फूल यहाँ तो अदनान समी जैसा आया, वो फंस जाए बेचारा। बिल्कुल जगह ही नहीं है। नीचे जाते उतरना मुश्किल है।
जो नीचे से आ रहा है वो रुक जाए थोड़ी देर। हाँ रुको, उतरने वाली पब्लिक बहुत है, ऊपर जगह नहीं है, जगह शार्ट है, ऊपर जगह बिल्कुल नहीं है, रुके रहो यहाँ से, अभी रुक जाओ, ऊपर उतरने वाले बहुत हैं, छोटी है, थोड़ी देर खड़ी रहो। हाँ बेटा पीछे पीछे पीछे, पीछे जगह नहीं है, जगह नहीं I know, right?